अस्सलाम वालेकुम, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैं आया हूँ न्यूकैसल। न्यूकैसल जो है सिडनी से 2 घंटे लगते हैं और 160 किलोमीटर अवे है और बहुत ही नाइस क्वाइट प्लेस है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते भी हैं इधर पढ़ने। और मेरा दोस्त इधर रहता है, तो मेरा दोस्त आ रहा था सिडनी से वापस, तो मुझे कहता है कि आज जो आप तो न्यूकैसल एक्सप्लोर करते हैं तो वीडियो बनाओ, तो मैं कहा व्हाई नॉट। और जनवरी में पता है आपको काम क्वाइट होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो बेटर है कि आप हॉलीडेज पे निकलो, घूमने फिरने के लिए निकलो। तो मेरा दोस्त ओ माशाल्लाह बदर नाश्ता तैयार हो गया, क्या बात, तैयार कर दिया। क्या बात है ब्रदर, लस्सी माशाल्लाह। देख न्यूकैसल तुमने घुमाना है, ये मुझे लगता है खुद नहीं घुमा हुआ बिल्कुल, इसे पता ही कोई नहीं है। वो आगे लड़का आया, मुझे कहता है इस बीच पे जाना, कहता है कौन सा बीच, बार बीच, चल आज। ये से मुझे गिफ्ट दिया है, थैंक यू ब्रदर। ये हाँ आपने करनी है, आप कर लेंगे, मसला नहीं है ब्रो, आपको प्रोटोकॉल देते हैं। थैंक यू ब्रदर। इसके अंदर मेरा कच्चा है जो पहन के रात को सोया। ये देखे, ये दे सकता है गिफ्ट किसी को, इतने भाई देते हो वैसे गिफ्ट आप किसी को? मैंने बहुत को दिया। दे दे कि ड्राइवर इस बीच 13 मिनट। अच्छा 40 यार मैं वेस्टर्न सिडनी में रहता हूँ तो पता है मुझे कितनी देर लगती है बीच पे जाते हुए, 55 मिनट। एक्चुअली मैं गम बता रहा हूँ, 1 घंटा। यहाँ तो पास है अक्सर, हम रात को बीच पे जाके बैठते हैं। अच्छा ये पहला पाकिस्तानी है जो उबर नहीं करता ना सिक्योरिटी करता है। भाई लास्ट टाइम आपने उबर कब की थी? साल हो गया मुझे। माशाल्लाह जबरदस्त, आपको मिलेंगे हम जब 5 साल हो जाएंगे ना, तो जुबली सेलिब्रेट करेंगे, भाई ने 5 साल से उबर नहीं की। और ये हमारे वन एंड ओनली फ्यूचर डॉक्टर, और बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलके, और मेरी आज इनके साथ पहला इंटरेक्शन था, और रियली क्यूट एंड नाइस गाय। यार हमें बताओ ऑडियंस को, मैं कसम से न्यूकैसल का मुझे कोई आइडिया नहीं है यार। न्यूकैसल एक सिडनी से तो एक बेटर चीज है उन लोगों के लिए जो के मतलब सुकून में रहना पसंद करते हैं ना, पीसफुल एनवायरनमेंट और बहुत मतलब टेंशन फ्री है एज कम्पेयर टू बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई सिडनी में। हाँ, उससे तो बहुत बेटर है सिडनी, ये न्यूकैसल। मैं तकरीबन 4-4.5 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, तो सिडनी जाने का दिल ही नहीं किया जब से न्यूकैसल आए हैं। नाइस यार, नाइस यार। और ये हकीकत है, मैंने जितने भी लोग देखे ना सिडनी से बाहर गए हैं, वो सिडनी वापस नहीं आए, वो कहते हैं सिडनी इज अ शिट प्लेस टू लिव, और हकीकत है ये। मैं भी जब इधर आगे रहा हूँ, पहले भी एक दफा आया हूँ और अभी भी मतलब एक रात रुका हूँ और थोड़े चीजें एक्सपीरियंस किए, तो मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि सिडनी से जो बाहर जगह है ना वो ज्यादा अच्छी है रहने के लिए। सिडनी एक तो यार क्राउडेड बहुत ज्यादा हो गया है, और उसके अलावा ट्रैफिक बहुत होती है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मतलब मेहनत वाली जॉब्स होती हैं, क्योंकि हाँ कोई भी बिजनेस है उसमें कस्टमर सर्विस ज्यादा है। जैसे अब 7-Eleven है सिडनी में, 7-Eleven और न्यूकैसल के 7-Eleven में फर्क होगा, टोटली डिफरेंट। तो वो कस्टमर बहुत ज्यादा है, फिर वो भी बिजनेस में जॉब करेंगे तो बिजनेस मैन के लिए सिडनी अच्छा है। ये 1 साल पहले स्टार्ट किया था। आपने सिडनी में बिजनेस स्टार्ट किया था? मैंने सिडनी से इनिशिएटिव लिया था। अच्छा, 2 साल पहले मैं इधर मूव हुआ। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ अपने बिजनेस को चला रहा हूँ। ये भाई का बिजनेस है कार रेंटल का, तो थोड़ा बताएं कि क्या आपकी सर्विसेज हैं? सर्विसेज एक्चुअली मैंने पहले तो अपनी एक गाड़ी बाय की थी। अच्छा, उससे स्टार्ट किया, और उसके बाद अपनी कम्युनिटी के लोगों को अप्रोच किया, फिर उनको और गाड़ियां बाय की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मंगवाई थी पाकिस्तान से, तो और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो यानी कि सिर्फ मैं गाड़ियां बाय करके बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूँ, और अच्छा। साथ में अभी हलाल फाइनेंस का सिस्टम करने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये न्यूकैसल के अंदर। अच्छा, कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम जो है लाइक इंटरेस्ट फ्री जो है वो हम हलाल फाइनेंस करेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी को हम सपोर्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह आने वाले चल रहे। ये पहला बंदा है इंस्पायरिंग है जी, ऊबर सिक्योरिटी नहीं करता, कोई बिजनेस करता है, अच्छी बात है। और आप, मैं तो चाहता हूँ यार, मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मुझे लगता है मैंने बिजनेस का टाइम ज़ाया किया है वो ऊबर करके। ऊबर में आपके पास कोई स्किल नहीं आती, आप एट द एंड आप यहाँ पे 10-10 साल से लोग कर रहे हैं टैक्सी ऊबर, आफ्टर लाइक 20 ईयर्स लाइक वो उनकी सेम स्टेज होती है, इवन कि वो घर नहीं बाय कर पाते अपना। अच्छा, ठीक है, तो क्योंकि मैं काफ़ी कम्युनिटी यहाँ पे मैं जिनसे मिलता हूँ तो उनका देख के ऐसे लगता है वो आज ही कहते हैं कि सर हमारे पास कोई स्किल नहीं है, तो आज भी वो ऊबर ही करते हैं। और ये टैक्सी कर रहे हैं, पहले टैक्सी थी, वो जब से ऊबर आई अब वो ऊबर कर रहे हैं। तो यार देखो, एक बंदा आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है या वर्क वीज़े पे आता है या TR पे आता है, जिस पे जैसे भी आता है, या PR पे आता है डायरेक्ट, वो विद इन फ्यू मंथ्स उसका लाइसेंस बनता है और ऊबर स्टार्ट कर देता है वो।
वो आपको रिप्लेस कर देता। आपकी इतनी हैसियत है कि एक एक दिन पुराना बंदा आया हो ना ऑस्ट्रेलिया में तो उबर का अकाउंट उसका एक्टिव हो जाए। मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं जिनका 3-4 दिन में उबर का अकाउंट एक्टिव हो गया, उबर रिप्लेस कर दिया उन्हें। तो क्या डिफरेंस है यार, आप कौन सा मतलब इतना प्राउडफुल करते हो? ठीक है आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं लेकिन इट्स नॉट अ वैल्यूएबल जॉब, और लोग भी आपको रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखते हैं जो उबर कर रहा होता है। तो मैं तो उबर से निकला हुआ, मेरा दिल नहीं करता। दिसंबर में मैंने की थी, मैं नहीं कहूंगा नहीं की थी, वो भी इस वजह ये थी कि मुझे पैसे चाहिए थे। और ज्यादा रीजन लोग कहेंगे हमारा भी यही होता है पैसे चाहिए, लेकिन यार मैंने सिर्फ एक महीना किया पूरे साल में पिछले ऊपर, और वो भी दिसंबर में की थी, और उसमें बिजी होता है, वर्थ होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा एक बूस्ट चाहिए इनकम का तो आप ऊबर करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको अपना जिंदगी का मोटिव और हर दिन हफ्ते में 5 दिन 6 दिन इस पर स्पेंड करें इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो चले छोड़े ये बड़ी ज्ञान की बातें होगी, हमें बीच पे जाएंगे। और ब्रो कितनी देर की ड्राइव रहेगी? और मुझे तो ट्रैफिक नजर ही नहीं आ रही, ट्रैफिक सिग्नल्स नजर आ रहे हैं इधर, बाकी गाड़ियां इतनी नजर नहीं आ रही, बहुत पीसफुल सुकून। ये ब्रो आपने बात बिल्कुल जेन्युइन की है कि तो बहुत सुकून है, एक अलग शांति यार, एक अलग वाइब आती है। सिडनी जब मैं न्यू आया था ना ऑस्ट्रेलिया, तो मैं सिडनी में आया था सबसे पहले। अच्छा। और तकरीबन मैं एक महीना रहा हूँ सिडनी में, फेयरफील्ड वेस्ट में घूमा हूँ, ग्रेनविल रहा हूँ, देन ओपन में रह के आया हूँ, फिर गिल्डफोर्ड में रह के आया हूँ। तो ये सब जगह घूमने के तकरीबन 1.5 महीना बाद मैं न्यूकासल आ गया था। और उसके बाद ऐसा है कि सिडनी इवन कि जब जॉब के लिए भी समटाइम जाना होता है, मैं सुबह 4-4 बजे न्यूकासल वापस आ रहा होता हूँ, कि सिडनी रहने का दिल नहीं करता। ये इसका भी यही सीन है, ये भी जाता है सिडनी ना तो इससे मुलाकात होती है, तो ये भी कहता है नहीं रात नहीं रुकना मैं जा रहा हूँ वापस। मैं तो बड़ा इंसिस्ट करता हूँ रुक जाओ यार रुक जाओ, कहता नहीं नहीं अभी कल कितने बजे आए हम बताओ। हाँ हम रात को आ गए, ये सुबह गया था और मतलब वापस हम रात को 1 बजे निकले वहाँ। हाँ आप कह रहे थे कि रुको यहाँ पे स्टे कर लो, मैंने कहा नहीं, हाँ, निकलो 2 बजे घर पहुंचे। ये है बाकी सोने का भी नहीं दिल करता यार। चुके हैं जी, नाम नहीं पता मुझे बीच का, बार बार इनसे पूछना पड़ता है, ज़हन में नहीं बैठता। क्या लगता है ब्रो? ये बहुत दिलकश लग रहा है, दिलकश। तो ये देखिए क्या बात है, That's so beautiful. पैराग्लाइडिंग में वो जो बाहर से फेंकते हैं, ये शिप कहाँ से आ रहा है? ऐसे लग रहा है ये ऑयल वाले टैंकर हैं। बीच तो यार मुझे बहुत पसंद है, मुझे बताओ दूसरी जगह कौन सी जानती हूँ कैसल में लेके जाओगे? मतलब ठीक है यार मुझे कि बीच दिखा के पूरा करोगे भाई, हो गया आपका टूर बस ठीक है। न्यूकासल में फेमस कबाब के लाते हैं। अच्छा कबाब, ठीक हो गया। कबाब के अलावा कबाब? अच्छा इधर चुप कर रहे हैं, सिडनी में बहुत चीजें है करने को, मतलब हाँ चीजें बहुत है करने को न्यूकासल में। ये चीजें दिखाते हैं ना यार, न्यूकासल सिटी इधर से नजर आ रहा है, और ये मेरा दोस्त भी नजर आ रहा है। ये इधर बीच है, और ये सामने भी न्यूकासल ही है ना। अच्छा यार चलते हैं यार, नाइस यार, देखें यार क्या माहौल है, बहुत मजा आ रहा है। 2 किलोमीटर का ट्रैक है ये स्टार्टिंग पॉइंट का क्या नाम था? मेमोरियल वॉक कहते हैं इसे। क्या है इजिप्ट सोमी, और ये पीटी की तैयारी करो, ये रिपीट कर रहे हैं वर्ड आ सकते हैं ब्रो, क्या कर रहे हो, इजी ले रहे हो आप। ये भाई से पूछते हैं, भाई ने मैं भी पीटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पीआर डालनी है तो पीटी जरूरी है, 8 ईच लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये ब्रो ने एक दिन की नहीं यार एक दिन एक दिन में प्रिपरेशन करके कितने बैंड आए आपके? 8 बैंड्स आए हैं लेकिन एक दिन नहीं किया, 6 दिन किए हैं। 6 दिन प्रिपरेशन किया, ठीक है। नहीं यार नाइस, तो कितने घंटे देते थे एक दिन? मैं दिन में 5 से 6 घंटे। सही, कितने देने के? मैं कोई आधा घंटा, इसीलिए मेरे नहीं आने, मैं कोशिश कर रहा हूँ सीरियस होना इस चीज़ को लेके, आगे से हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो जितना बेटर है बैंड लें और अपनी यूआई लॉन्च करें, हम भी लाइन में लगे, तो क्योंकि आगे लाइन बड़ी लंबी है ना, बुलावा पता नहीं कब आए। सही बात है, और जब लाइन में जल्दी लगोगे फिर आपको बुलावा भी जल्दी आएगा। लेकिन भला क्या मसला है, जब पीआर मिलनी है ना उसकी एक्साइटमेंट उसकी खुशी खत्म हो जानी है, ये हकीकत है। कुछ लोग लकी होते हैं आते सारी बस जिसका अल्लाह ताला ने इसकी, लेकिन मुश्किलें आपको मजबूत बनाती हैं, उसमें कभी डरना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आपके 7 नहीं आए, 2 अटेम्प्ट दे दिए, कोई बात नहीं, तीसरी दो चौथी दो कोई मसला नहीं, हिम्मत नहीं हारती, ठीक है। बंदा मुझे बीच दिखा के पूरा कर रहा है,
मतलब इसे पूछा मैंने और कहाँ जाना है, ये और आपको खाना शाना खिलाते हैं, खाना तो ठीक है खाते हैं हर बंदा खाता है, लेकिन हमें बताओ जगह कौन सी एक्सप्लोर करा रहे हो। ये खुद नहीं घुमा हुआ, ये ऊबर इसने छोड़ी है, एक साल हुआ, पहले ऊबर ही करता था। ब्रो आप तो वैसे सिडनी में भी रहे हो, सिडनी में कितने साल रहे हो? 4 साल। और न्यूकैसल 2 साल हुए। तो मतलब क्या डिफरेंस, मतलब एक सेंटेंस में खत्म करो आप, मतलब क्या डिफरेंस है सिडनी की जिंदगी में न्यूकैसल की जिंदगी में? यहाँ इंसान रहते हैं जो अपनी जिंदगी जीते हैं। अच्छा। और सिडनी में गधे रहते हैं। ओह माय गॉड, ये मतलब काम करते हैं ये सिडनी के सारे लोगों को इसने कह दिया ऐसा, बस ठीक है पुत्र और तू सिडनी जा चुकिया जाएगा। क्या बात, हम थक गए हैं लेकिन ये वाह खत्म होने पे नहीं आ रही है। बहुत ही प्यारा व्यू उधर चेक करें। और पहले आए हुए आप इधर? हाँ नहीं वाह की है पूरी इधर से ले, तुमने भी की है? अच्छा यार जो लेके आया था गालियां निकाली थी काफी लंबी होगी, आज मैंने देनी है फिर, मेरा वक्त आ गया। कितना प्यारा व्यू है, लोग फुल इंजॉय कर रहे हैं, वो कैमरा लेके सूरज को देख रहे हैं। नाइस यार, ये सीधे नीचे जा रही हैं तो सामने बीच है, वहाँ इसका एग्जिट होगा। ओशन बात कह रहे हो जो उस जगह का नाम, तो उसमें क्या होता है यार? तकरीबन 2.5 साल बाद जो है इन्होंने ओपनिंग की है दोबारा। अच्छा। तो वो बीच के अंदर से उन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ है कि वो ना स्विमिंग पूल टाइप का बनाया हुआ है। अच्छा। तो वहाँ से सारा पानी जो है ना बीच का उसके अंदर आता है और वहाँ पे जैसे बच्चे हो गए या बड़े स्विमिंग के लिए हो गए तो उन्होंने स्विमिंग पूल टाइप का बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। बीच में नहीं जाना चाहते ना ऐसा ऐसा, वो बुंडाई बीच में भी है एक स्विमिंग पूल ना, वो उधर मतलब डायरेक्टली ओशन का पानी आ रहा होता है। वो असल में वही देखे, मैं सिडनी आ गया था नहीं तो मुझे सिडनी सच में कह रहा हूँ, मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के ना वो पैम्फलेट होता है जो उसके ऊपर लगा हुआ था, मैं यार वाह क्या अमेजिंग चीज़ है ये, बड़ा मशहूर है, लेकिन बड़ा हाई क्लास लोग जाते हैं उधर, हमारे देसी गाँव ही जाते हैं। यहाँ पे भी हाई क्लास ही जाते हैं क्योंकि 2.5 साल बाद ओपन हुआ है। अच्छा। वहाँ पे गोरा वो देसी नजर ही नहीं आता। अच्छा। देसी जाता बस बीच पे जिसका काम है तो उसमें क्या मतलब टिकट होती है क्या? नहीं नहीं फ्री है फॉर पब्लिक, मतलब शाम 5 बजे बंद हो, 5 या 6 बजे बंद होता है। हाँ अभी तो नहीं जा सकते हम, नहीं जा सकते। सही है, तो स्विंग आती है आपको? यार स्टार्ट की है क्योंकि अब स्टडी के साथ थोड़ा सा लोड कम हुआ है तो वेट वाली साइड पे दोस्तों। अच्छा मैं बता दूं, ये भाई हमारे डॉक्टर बन रहे हैं माशाल्लाह, मैं बहुत चंद पाकिस्तानी है जो डॉक्टर बन रहे हैं ओवरसीज से आके इधर, तो इधर के बोन तो चलो बन सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स इधर हैं और सपोर्ट करते हैं। हाँ हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, तो हमारे लिए जो है एज कम्पेयर टू ओवरसीज बहुत हार्ड होता है स्टडी मैनेज करना, ऊपर से वो बच्चा जो कि पाकिस्तान से FSC कम्प्लीट करके आते साथ ही ऑस्ट्रेलिया आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही आपने जब मूव करना है यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ। तो बड़ा हार्ड होता है। हाँ। असाइनमेंट और मतलब लेक्चर्स और कन्फ्यूजन्स, ऊपर से आपने ऑस्ट्रेलिया आ जाना और यहाँ पे आके जो है आपकी स्टडी बाकी मामला फिर जॉब्स और पार्ट टाइम करना। हाँ। बड़ा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो मुझे थोड़ा बताओ आपका अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, कौन सी यूनि से कर रहे हो और फीस कितनी है? 38 फिनिश होने वाला। अच्छा। फीस जो है ना इस टाइम एक साल के वो अराउंड बन जाती है $78,000। अच्छा। ये डिपेंड करता है आपके गेम सेट में कितना स्कोर है। अच्छा। जो ऑस्ट्रेलियंस है ना उनके लिए डिफरेंट टेस्ट होता है, मेरे ख्याल उसका अजीब सा नेम है, लेकिन जो इंटरनेशनल है उनका कुछ लाइक कोटा होता है सीट्स का। अच्छा। तो वो जो है वो गेम सेट उसे कहते हैं। हाँ हाँ। और वो आपने पास करना होता है, वो अगर आप पास कर लेते हो ना तो उसकी बेस पे आपको एडमिशन मिलता है, फिर आपका उससे पहले आपने एड्स करना होता है। अच्छा। मिनिमम 7.5 ईच के साथ यार, और देन जो है आपने वो अपना गेम सेट क्लियर करना है। गेम सेट क्लियर होता है जिस तरह पाकिस्तान में नाम नहीं आते यूनिवर्सिटीज के अंदर। हाँ, बेस पे। हाँ, वो आपके मेरिट बेस पे नाम आ जाता है। अच्छा। हाँ। तो आपकी स्कॉलरशिप कितनी है अभी फिलहाल? तकरीबन 70% बन जाती है। 70% बॉय स्कॉलरशिप ले रहा है। मैं जब इसने मुझे बताया मैं यार रियली हैप्पी फॉर यू, कि क्योंकि हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, वो इस 70% किस वजह से वो जो टेस्ट बता रहा है उसमें सेट में। हाँ, हाँ, कितना स्कोर किया था आपने? 98% था उसके दौरान कोविड के दरमियान। 98% स्कोर किया यार इसने। पहले नॉर्मल फीस थी आपकी? नॉर्मल जब मैंने स्टार्ट करना था ना, जब इसके मैंने रिसर्च की कि क्या चीज़ होती है, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये आम बंदे के लिए ना नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तब कोविड आ गया और कोविड में लॉकडाउन में टोटली मैंने सोच लिया था कि अब तो जाना ही जाना जो मर्जी हो जाए, तो इसकी टेस्ट की थोड़ी सी तैयारी की। एक बड़ा फेमस है ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ही बंद है उधर सिडनी में क्वेड यूनिवर्सिटी से, तो उसको मतलब अप्रोच किया उसने, थोड़ी सी गाइड की और बस गाइड करवा के एट द एंड ऑफ द डे समझ आए कि गेम सेट पहले दो उसके बाद जो हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो ना से,
वो गेम सेट दिया अल्लाह ने नसीबों में लिखा था। बड़ी बात है यार, जो जो बंदा जितना आप कहते हैं ना, आपका दिल मान ले और दिमाग बिलीव कर ले ना, ऐसे ही है। तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। सारी ये दिल और दिमाग को कंट्रोल करने के बाद, अगर आप दिल से कोई बात और दिमाग बिलीव कर ले, दिमाग अगर बिलीव करो, दिल से नियत बना लो, तो आप दुनिया में कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। क्योंकि अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स था, पहले आपको कोर्स भी डिफरेंट, सिर्फ का वो एग्जाम दिया उन्होंने पास किया और शौक था कि डॉक्टर बनना है, उसको साइड पर रख के मेहनत कर रहे हैं, जॉबें छोड़ के ऊपर छोड़ के मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन जो एग्जाम है ये वाला देना है और मैंने स्कोर करना है ताकि मैं डॉक्टर बन सकूँ। अल्लाह का शुक्र आज इनके अभी बस 1.5 साल रह गया डॉक्टर बनने में। तो इंशाल्लाह अगर ये इनवाइट करेंगे तो मैं व्लॉग बनाऊंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी यार तुम जब, हाँ तुम डॉक्टर बनोगे ना, आई एम रियली हैप्पी, बड़ा मतलब इंस्पायरिंग हो यार तुम। और अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम तुम्हारे सबसे तुम्हारे जो प्राउडफुल होंगे वो तुम्हारे पेरेंट्स होंगे नो डाउट। तो तुम्हें चाहिए उन्हें बुलाओ उनकी अपनी, नहीं उम्मीद तो बहुत है कि जैसे ही स्टडी फिनिश होती है ना तो उनको इंशाल्लाह लास्ट में ग्रेजुएशन पे तो बुलाऊंगा, बाकी बेशक बुलाऊं उन्हें ना बुला सका नहीं बनता है तुम्हारा ब्रो, बहुत प्राउडफुल होंगे। और बॉय ने खुद मेहनत करके यार डॉक्टर बन रहा है, और मतलब पीछे से तो कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये जुड़ा है, बहाने होते हैं, जिसने बनना है उसने बन जाना ब्रो। जो है ना अल्लाह ताला इंसान को बहुत मजबूत बनाया है, अगर आप इरादा पुख्ता कर लो तो कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। तो बाकी मैं बड़ा खुश हूँ यार, बहुत इंस्पायरिंग है। और न्यूकासल में घूमा, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया उसका यार। तो अभी आगे अंधेरा आ गया, मैं इसलिए रुक गया था, मुझे पता था आगे वीडियो जो है ना डार्क हो जानी, अगर ब्राइटनेस नहीं खत्म, ये आगे खत्म हो गया ब्रो बिल्कुल। लेकिन मैं समझा ये बीच पे निकलेगा, बीच पे निकले, ये साथ ही बीच स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा चलो फिर चलते हैं उधर यार। अच्छा सामने रोड आ गया ना, मतलब अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे वॉक करके बीच शुरू हो जाएगा, फिनिश हो गया साथ ही बीच है सारा। घर कितने प्यारे हैं यार इधर, एक्सपेंसिव एरिया, मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एरिया है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई घर जो है मिलियंस ऑफ डॉलर से कम होगा। अच्छा इवन के यहाँ पे एक रात का रहने का 500 प्लस रेंट है सिर्फ एक रात का। यार ये तो बुंडाई बीच से भी ज्यादा है, बुंडाई बीच से भी ज्यादा है। बार बीच है न्यूकासल की जो है ना, सिडनी के अंदर आप सीबीडी कह लें या सर्कुलर क्वे कह लें, यहाँ का न्यूकासल का है बार बीच। अच्छा साथ ही बिल्कुल बीच है, बस व्यू के पैसे हैं और किसी चीज के पैसे नहीं है, घर तो बस सिंपल है जैसे होते हैं लोगों के नॉर्मल जाओगे नॉर्मल व्यू के पैसे ले रहे हैं और लोग पे कर रहे हैं इस चीज का। इट्स ऑल ये सही है, ऐसे स्कूटी लेनी चाहिए। वो कितनी स्पीड से निकल गया उधर यार, नाइस। ये वाकई यार पैसे तो हैं इस व्यू के, बनते हैं पैसे। जहां से अगर कोई उड़ते साथ ही आ रहा अपने ग्रिल से देखते हैं, इतना का प्यारा व्यू आ रहा है, वो तो कहेंगे यार 500 भी नहीं 800 ले लो हमसे, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हो यार, कितना प्यारा व्यू है। देखो ये ज्यादा एक ना अट्रैक्टिव लगता है मुझे, कि रोड हो फिर उससे आगे जो है ना बीच हो, गाड़ियां गुजर रही हो, एक अलग वाइब आती है। मैं सिडनी बंडाई बीच पे बात करूं तो हम छोटा सा रोड उन्होंने बनाया हुआ। हाँ तो वो इतना कुछ मतलब अट्रैक्टिव नहीं लगता, बस पता कि यार बीच पे आपने जाना है, वो काफी लेके जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे, मजे की बात है कि यहाँ पे ऑन रोड पार्किंग भी है। नाइस यार, हाँ वाकई पेड़ नहीं है, फ्री है यार, पार्किंग है यहाँ पे बीच की बजाय अपनी इतनी बड़ी पार्किंग है। अच्छा वो भी फ्री, वो भी फ्री है। तो इवन मतलब जब मर्जी आप बिजी डेज में भी आ जाओ, फुल समर वेदर में भी आ जाओ, आपको पार्किंग मिल जाती है। सिडनी वालों को ना इनसे सीखना चाहिए, फिर उधर हर चीज में पैसे हैं यार। हालांकि न्यूकासल का सबसे बड़ा बीच और सबसे कह लें कि लोग यहाँ पे ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू उधर बीच, केव्स बीच पे न्यूकासल में रेड हेड भी है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना वो यहाँ पे आते हैं। पार्किंग देखेंगे फुल भरी हुई है। हाँ यार और अभी ये वीकडे है, और वीकडे है यानी शाम पर 8:30 हो गए हैं यार। देखो ये देखें ये पार्किंग है बीच की और फुल है, वीकडे है अभी, लेकिन प्यारा सीन है यार। अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि एक कंपनी भी अच्छी है हमारे साथ और एक व्यू भी प्यारा है। जब न्यूकासल आया था ना आज से 4 साल पहले, हाँ मैं तकरीबन 4th-5th दिन यहाँ पे आ गया था, तो उसके बाद फिर गर्मियाँ तकरीबन पहली थी यहाँ पे गुजरी हैं। हाँ बस होते यहाँ पे नहीं थे, रहते यहाँ पे थे। ये मज़े का सीन होता है, ये जो वैन उन्होंने तैयार की होती है ना उसके अंदर ही सब कुछ, वैन के अंदर पता है उन्होंने ये सोने का निजाम, बेड भी लगाए होते हैं उनके, मैट्रेस में लगे होंगे। वैसे अच्छी है, अच्छा मैं ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में एक दफा, लेकिन हमारी पीआर आए तो कुछ करे ना यार, तो कुछ करे ना। हम भी ऐसे चिल करे हैं, गाड़ी लेके आए उसके अंदर बेड लगा हो, किचन भी होता है, टॉयलेट भी होता है, टॉयलेट का मुझे आइडिया नहीं है, होता है होता है टॉयलेट होता है। हाँ पीआर की बात करते, पीआर की बात टेंशन है ज्यादा यहाँ पे, वैसे मोर्टेज लेने हैं फिर गाड़ी बड़ी कर दिल करेगा, जो पीआर हो गई गाड़ी लेनी है।
ब्रो बस जिंदगी इम्तिहान है, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा ज्यादा ही पड़ा है और ज्यादा ही सब्र चाहिए बंदे को, कोई नहीं, लेकिन आप सीखते बड़ा यार इधर कुछ जो आपके वो गलत कल्चरल थॉट्स होती है ना वो निकल हाँ, जाती है। क्योंकि आप जो है ना मल्टी कल्चरल लोगों के साथ रहते हो। हाँ। अब पाकिस्तान में लाहौर वाला, बेसिकली मैं लाहौर से हूँ, अगर लाहौर वाले पर्सन की बात करूँ तो वो जी एक लाहौर के अंदर ही से बाहर दिल्ली नहीं लगता। हाँ। जिन्हें लाहौर नहीं तक क्या जमिया ही नहीं, वो लाहौर से बाहर दिल्ली नहीं लगता। अब यहाँ पे आगे मैं सवाद के लड़कों के साथ भी रहा हूँ, अभी हमें पार्चना का लड़का मिला था, छांग का लड़का था, वो मेरे साथ रहता था। एक जो है अभी फैसलाबाद का मेरे साथ रह रहा है, एक जो है मतलब पठान रह रहा है। वो डिफरेंट कल्चर के अंदर आप जब भूलते ही मिलते हो ना, आपको लोगों के माइंड सेट्स का आइडिया हो जाता है, लोगों के जो स्नेक जिसे आप कह सकते हो उस चीज़ का स्पेशली आइडिया हो जाता है कि लोग कौन सी कह लो कि स्पेसिफिक नस्ल के लोग ज़्यादा बेटर हैं। अच्छा हाँ, लेकिन यार जरूरी तो नहीं एक नस्ल का बुरा निकले तो। नहीं, वो लोगों पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है कि आप किस तरह की हो। अगर ऑब्वियसली बात है कि मैं क्लबिंग करूंगा, सिगरेट पीऊंगा, तो मेरे साथ वालों ने मुझे देख के करना है। हाँ। कोई पता नहीं, बड़ा मशहूर कॉल है कि तुम मुझे अपने इर्द गिर्द तीन से चार दोस्त दे दो, मैं तुम्हारा फ्यूचर बता दूं। मैं तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। हकीकत है, वो तो आप ही डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह से चलते हैं। हकीकत है, इंडिया में इवन पानी से ज्यादा सस्ती बियर है। हाँ, हकीकत है, ना कोई आपको देख रहा है ना कोई छोड़ पीते जाओ। हाँ, लेकिन मैं जब ऑस्ट्रेलिया आया था ना, मैं स्टार्टिंग में जो टफ टाइम देखा है, किसी ने मुझे एक बड़ी मजे की बात की, जिसने कहा था बेटा देखो परदेश वाले की ना दुआएं भी बहुत जल्दी कबूल होती हैं। हाँ। और परदेश वाले को चित्र भी ज्यादा पड़ते हैं। नीचे बंदा होता है। हाँ। पर अल्लाह की जात होती है ना, माँ बाप होते हैं ना आपकी फैमिली होती है, यहाँ पे दुआएं करो ज्यादा कबूल होती है, नेकी के काम करो वो अल्लाह उसमें ऐसी बरकत डालता है, क्योंकि आपका यहाँ पे अल्लाह और आपके दरमियान ना सिर्फ फर्क आसमान का होता है। हकीकत है, आपकी फैमिली है ना, कोई दोस्त भी यहाँ पे, कोई दोस्त कोई भी नहीं होता, नहीं होता। हकीकत है, दैट्स ट्रू। आप अल्लाह की जात है, जो मांगने मांगो, इंसान को अपना कंफर्ट जोन जब छोड़ते हैं ना, तब रियलाइज होता है असल जिंदगी क्या है।